आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल कर आरसीबी के कप जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अहमदाबाद के मैदान पर खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए क्वालिफायर टू में जगह बना ली, साथ ही ट्रॉफी जीतने के एक कदम और नजदीक पहुंच चुके हैं। बता दें कि आरसीबी ने इस सीजन में लगातार 6 मुकाबले जीतकर पहले प्लेऑफ में जगह बनाई थी। उसके बाद एलिमिनेटर जीतने की भी उम्मीदें थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने उन उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। हार के बाद आरसीबी टीम के सारे खिलाड़ी इमोशनल नजर आए, साथ ही साथ विराट कोहली की आंखें नम नजर आ रही थी। बता दें कि संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जहां आरसीबी की टीम मात्र 172 रनों पर आउट हो गई। आज किंग कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए, 33 रन बनाकर आउट हुए। कैमरन ग्रीन ने 27 बनाए, रजत पाटीदार ने 34 रन बनाए, लोमरोर के 32 आए, लेकिन उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी छाप नहीं छोड़ पाया। 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बहुत आसानी से राजस्थान रॉयल्स ने ये टारगेट चेज कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने अच्छे 45 रन बनाए, संजू सैमसन कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन रियान पराग ने अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हुए 36 रन बनाए, लेकिन जब वो आउट हुए तब तक टीम लगभग जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। शिमरन हेटमायर और रोमन पॉवेल ने कुछ आक्रमक पारियां खेली, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स क्वालिफायर टू के लिए अब पहुंच चुकी है। इसी के साथ आरसीबी के कप जीतने का सपना एक बार फिर से सपना रह गया है। विराट कोहली की इस टीम ने कप जीतने की कोशिश जरूर की, लेकिन आज वो एनर्जी नजर नहीं आई जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान पर नजर आई थी। आज कुछ कैचेस भी छूटे, फील्डिंग में कुछ बाउंड्रीज भी गईं, लेकिन किसी भी तरह मैच में ये दिन आते हैं, मैच में ये चलता रहता है। लेकिन अगर आप आरसीबी फैंस से पूछेंगे तो उनके लिए आज का दिन बहुत बुरा रहा। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल कर एसआरएच के साथ अब चेन्नई का टिकट कटा लिया है। चेन्नई के मैदान पर क्वालिफायर टू खेला जाएगा और वहां पर जीतने वाली टीम केकेआर के साथ फाइनल खेलेगी। लेकिन अब ईसाला कप नमदे एक बार फिर से ईसाला कप नमदे ही रहेगा। अब कब नमदू लगेगा ये देखने वाली बात होगी। अब आप हमें कॉमेंट करके बताइए कि आरसीबी मुकाबला कहाँ हारी। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।